एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सामवेद भाग 86, ऋचा संख्या 1539, ऋषि देवश्रवा, देवगणों से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है ऐसा ऋषि देवता अग्नि ही ईश्वर के तेजोमय स्वरूप का वर्णन, छंद गायत्री तीन पंक्तियों में जो ऋचाएं गाई जाती हैं, स्वर सड़ज संगीत में प्रथम स्वर सा, इस स्वर पर इन ऋचाओं का स्वर स्थापन किया गया है। ओम आ आ आ दशो अग्निः समेद्यते अश्वो न देववाहनः तं हविष्मन्त ईडते। हे परमेश्वर, हे सनातन ब्रह्म, जो तेरी उपासना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, उनके ऊपर तेरे अमृत, तेरे रत्नों की वर्षा होती है। तेरे सानिध्य में मेरी आत्मा पहुंचकर तेरी ज्योति से ज्योतिर्मान हो जाती है। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती, प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1540, ऋषि देवश्रवा, ऐसा ऋषि जिसने देवगणों से प्रेरणा प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, देवता अग्नि ही, छंद गायत्री, स्वर सड़ज, वृषणं त्वा वयं वृषण वृषणः समीधिमहि अग्ने दीद्यतं बृहत्। वह परमेश्वर सुखों की वर्षा करता है, वह हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को, हमारे जीवन को उच्चता में ले जाता है, वह हमारे तन को, मन को, आत्मा को बल से संपन्न करता है। सुख की वर्षा करता प्रभु उच्चता में ले जाता, तन को, मन को, आत्मा को
बल संपन्न बनाता, प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती, प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1541। ऋषि विरूपांगिरस, ऐसा ऋषि जिसका स्वरूप दिव्यता को प्राप्त हो गया है, जिसका अंग अंग ईश्वर प्रेम से भरपूर है, देवता अग्नि हैं, ईश्वर के तेजोमय रूप का वर्णन, छंद गायत्री स्वर सड़ज, उत्ते ब्रहंतो अर्चय समिधानस्य दीदिवः, अग्ने शुक्रास ईरते, अग्ने शुक्रास ईरते। हृदय स्थल में ज्ञान अग्नि मुझको पवित्र करती है, मेरे मुख को हे परम ब्रह्म तेरी ज्योति से तेजोमय कर देती है। हृदय स्थल में ज्ञान अग्नि मुझको पवित्र करती, मेरे मुख को तेरी ज्योति से तेजो मैं करती, तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती, प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1542। ऋषि विरूपांगिरस, देवता अग्नि ही, छंद गायत्री स्वर सड़ज, उपत्वा जुहवो मम ग्रता चीरयन्तु हरयत, अग्ने हव्या जुषस्वनः, अग्ने हव्या जुषस्वनः। हे परम ब्रह्म, हे अमृत पुरुष, मेरी प्रार्थना को सुन। तू मेरी आत्मा को अपने में स्वीकार कर ले,
जैसे ग्रत की आहुति अग्निदेव स्वीकार करते हैं। प्रार्थना सुन मेरी प्रभु, तू मुझे स्वीकार करे। ग्रत की आहुति जैसे अग्नि देव स्वीकार करे। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1543। ऋषि विरूप अंगिरसः, देवता अग्नि ही। छंद गायत्री, स्वर षड्जः। मंद्रम होतारं रत्विजं, चित्रभानं विभावसुं। अग्नि मीडे स उश्रवत। हे मंगलकारी, हे ज्योतिर्ब्रह्मा, मैं तेरी उपासना करता हूँ। मुझे अपनी ज्ञान ज्योति प्रदान कर, मुझे पवित्रता और प्रसन्नता का प्रकाश प्रदान कर। मंगलकारी हे ज्योतिर्ब्रह्म, करता मैं तेरी उपासना। ज्ञान ज्योति दे मुझे, दे प्रसन्न तक चांदना। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1544। ऋषि भर्गः प्रगाथः, जिसने अपने समस्त बुराइयों को दूर कर दिया है और परमेश्वर के स्तुति गायन में लगा है, ऐसा ऋषि। देवता अग्नि ही। छंद बृहते, स्वर मध्यमः। पाहि नो अग्न एकया, पाहयुत द्वितीयया। पाहि गीर्भि इस्त्रस्रभिरुजा, पते पाहि चत्रस्रभिर्वसो। वेदवाणी से परम ब्रह्म परमेश्वर
हमारी रक्षा करता है। निरंतर वेद वाणी के गायन से हमें उस परम ब्रह्म का दर्श अपनी ही अंतरात्मा में होने लगता है। वेद वाणी से परमेश्वर तू हमारी रक्षा कर, तेरा दर्शन होवे हमें ऐसी तू कृपा कर। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1545। ऋषि भर्ग प्रगाथः देवताग्निः छंद सतु ब्रहते स्वर पंचमः। पाहि विश्वस्म द्रक्षसो अरावणः प्रसम वाजेसु नोव त्वामिद्धि निदिष्ठं देवतातय। आपिं नक्षा महे व्रधे, अपने सुख के लिए कभी दूसरों को दुख मत देना। लोक हित में लगे रहो, दान और सत्कर्मों की तरफ से कभी अपने मुख को न मोड़ना। अपने सुख के लिए कभी दूसरों को मत दुख दो। लोक हित करते रहो, कभी दान से मुख मत मोड़ो। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1546। ऋषि त्रित आप्तः, ऐसा ऋषि जो काम क्रोध लोभ से तर गया है, देवताग्नि ही ईश्वर के तेजोमय स्वरूप का वर्णन। छंद त्रिष्टुप स्वर धैवतः। एनो राजन नरतीह समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमाम अदर्शी
द्विभाति भाषा बृहता सिकनी मेति रोषति म पाजन। संसार में आसक्त न होकर अपने मन और इंद्रियों के स्वामी बनो, परम ब्रह्म के दिव्य ज्ञान में लीन रहते हुए संसार को ज्ञान देने वाले बनो। आसक्त मत हो संसार में, मन इंद्रियों का स्वामी बन, ब्रह्म ज्ञान में लीन रहे तू ज्ञान देने वाला बन। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1547। ऋषि त्रितापतः देवताग्निः, छंद त्रिष्टुप स्वर धैवतः। कृष्णाम यदेनिमभि वर्पसा जनयन्योषां बृहतः, पितुर्जाम ऊर्ध्वं भानुं सूर्यस्य स्तभायन् दिवो वसुभिर् रति वीर भाती। रंग बिरंगे संसार की चमक में जो नहीं फंसता, वह साधक उस परम ब्रह्म की आभा से अपनी आत्मा में चमकता रहता है। रंग बिरंगे संसार की चमक में जो नहीं फंसता, वो साधक ब्रह्म आभा से आत्मा में है चमकता। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1548। ऋषि त्रितापतः
देवतागने हैं, छंद त्रिष्टुप स्वर धैवतः। भद्रो भद्रया सचमान आगात, स्वसारं जारो अभ्येति। पश्चात सुप्रकेते द्युभिराग्नि विरतिष्ठन। ऋषभी दर्व णैरभि राममस्थात। कण कण में रमता हुआ पार ब्रह्म सबका कल्याण करता है। अपनी ज्ञान ज्योति से वह मुझे प्रकाशित करता है। कण कण में रमता पार ब्रह्म कल्याण सबका करता है। अपनी ज्ञान ज्योति से प्रकाशित मुझे करता है। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋच संख्या 1549 ऋषि पूषणा शुक्राचार्य। देवताग्नि हैं, छंद गायत्री स्वर सड़ज। कया ते अग्ने अंगिरह ऊर्जो न पादुप स्तुतिम। वराय देव मन्यवे वराय देव मन्यवे। परमेश्वर की वाणी को गाओ, उसी से अमृत का संचार होगा। उस परम पुरुष की महिमा करो, उस महिमा से हृदय में उजाला हो जाएगा। गाओ परमेश्वर की वाणी, अमृत का होवे संचार। महिमा करो उस परम पुरुष की, हृदय में हो उजियार। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती।
ऋच संख्या 1550 ऋषि उष्णा शुक्राचार्य देवता अग्नि छंद गायत्री स्वर षडज दशेमकस्य मनसायज्ञस्य सहसो यहो कदुवोच इदं नमः कदुवोच इदं नमः। हे परमेश्वर, तू चिंतन में नहीं आता, तू बुद्धि में नहीं आता। अपनी कमजोर आत्मा के कारण मैं सफल नहीं हो पाता। चिंतन तुझ तक जाता नहीं, बुद्धि में तू आता नहीं। कमजोर आत्मा के कारण मैं सफल हो पाता नहीं। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋच संख्या 1551 ऋषि उष्णा शुक्राचार्य देवता अग्नि छंद गायत्री स्वर षडज अधात्वं हि नस्करो विश्वा अस्मभ्यं सुक्षीतिह वाज द्रविण सो गिरह वाज द्रविण सो गिरह। हे परमेश्वर, उत्तम लोकों में तू हमें जन्म देकर पवित्र करता है, प्रकाशित करता है। हमारी आत्मा के खाली कटोरे को अपने ज्ञान अमृत से तू भरता है। उत्तम लोकों में जन्म देके तू हमें प्रकाशित करे। खाली आत्मा का कटोरा अपने अमृत से तू भरे। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋच संख्या 1552 ऋषि
भर्ग प्रगाथ है। ऐसा ऋषि जिसके भीतर पापों को नष्ट करने वाला प्रकाश उत्पन्न हो गया है, देवताग्नि ईश्वर के तेजोमय रूप का वर्णन छंद ब्रहते स्वर मध्यम अग्न आ या हयाग्नि भीड़ होतारम त्वाव्रणी महे आत्वामन क्रतु प्रयता हविष्मति यजिष्ठं बहिर्रासदे। माता पिता गुरु अग्नि हैं, इनकी तुम सेवा करो। अतिथि और परम ब्रह्म अग्नि रूप हैं, इन पंच अग्नियों की तुम सेवा करो। माता पिता गुरु अग्नि हैं, इनकी तुम सेवा करो। अतिथि और परमेश्वर हैं अग्नि, इनकी तुम सेवा करो। प्रभ तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। प्रभ तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1553। ऋषि भर्ग प्रगाथ देवताग्नि छंद सतोव्रते स्वर पंचम। अच्छा हित्वा सह सह सुनो अंगिरा स्त्रुश्च चरन्त यद्वरे पूरजो नपातं ग्रतकेशमीमहे अग्निं यज्ञेषु पूर्वयम्। हे परम ब्रह्म, तेरी आराधना हमें शक्तिशाली बनाती है, दिव्य उच्च धाराओं में हमारी आत्मा को ले जाती है। तेरी आराधना परमेश्वर हमें शक्तिशाली बनाती है, उच्च धाराओं में हमारी आत्मा को ले जाती है। प्रभ तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। प्रभ तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती।
ऋचा संख्या 1554 ऋषि पुरुमेढ़ देवतागने हैं छंद ब्रहते स्वर मध्यम अच्छान शीर शोचिशं गिरोयन्तो दर्शतम अच्छायज्ञासो नमसा पूर्वसु पुरुप्रशस्तम ऊतये। दुखों के निवारण के लिए बुद्धिमान पुरुष देवगण ऋषिगण उस परम ब्रह्म की तरफ जाते हैं। जीवन से जब अशुभ का निवारण हो जाता है तभी जीवात्माओं को परम पद की प्राप्ति होती है। दुख निवारण के लिए सब पर ब्रह्म की तरफ जाते अशुभ निवारण जब हो जाता तो जीव परम पद पाते। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1555 ऋषि पुरुमेढ देवताग्ने छंद सतो ब्रहते स्वर पंचम अग्निं सोनुं सहसो जात वेद सं दानाय वारयाणाम द्वितायो भूद मृतो मर्तयेश्वा होता मंद्र तमो विशी। मरण धर्म मनुष्य जब साधना करते करते ब्रह्म रूप हो जाते हैं तब वे अजर अमर हो जाते हैं। निर्मल आत्मा बनकर वे ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। मरण धर्म मनुष्यों में वे नर अमर हो जाते। निर्मल आत्मा बन के जब वे ब्रह्म रूप हो जाते तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती। तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती।
ऋचा संख्या 1556। ऋषि विश्वामित्रः, सारा जगत जिसके लिए अपना है, मित्र है, आत्मवत है, ऐसा ऋषि देवताग्नि है। ईश्वर के तेजोमय स्वरूप का वर्णन छंद गायत्री स्वर षड्ज अदाभ्याय पुरेता विषा मग्नीरमानुषी अणाम तूरणी रथ सदा नवाह जो पुरुष आसुरी वृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं वे अशांति से, तृष्णा से, तमोगुण और दुर्बुद्धि में नष्ट होने से बच जाते हैं। आसुरी वृत्ति से ऊपर जो पुरुष उठ जाते तृष्णा तमोगुण अशांति से वे पुरुष बच जाते तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती तब तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती ऋचा संख्या 1557। ऋषि विश्वामित्रः देवताग्निः छंद गायत्री स्वर षड्जः अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वां अश्नोति मर्तयः क्षयं पावक शोचि सह त्याग पूर्वक भोगों का उपभोग करो दूसरों को देते हुए स्वम थोड़ा सा ग्रहण करो इसी को यज्ञ शेष कहा जाता है। ये सारा जगत, ये सब आत्माएं उस परम ब्रह्म परमेश्वर का परिवार है। विनम्र बने रहो, देते समय अहंकार ना करो। ये सब परमात्मा का है और सभी के लिए है, ऐसा अपने मन में विचार रखो। त्याग पूर्वक भोग करो औरों को दान देते रहो अहंकार मत करो मन से विनम्र बने रहो तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती तेरे संग मेरी आत्मा
ज्योतिर्मान होती, प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ऋचा संख्या 1558। ऋषि विश्वामित्र देवताग्नि छंद गायत्री स्वर सड़ज। सहवान विश्वा अभियुज क्रतुदेवानाम मृक्तः अग्निस्तु विश्रवस्तमः। देवताओं जैसे बनकर दिव्य गुणों को धारण करो, सेवा करते हुए इस संसार की सेवा करते हुए परम ब्रह्म का चिंतन करते रहो। देवताओं जैसे बनके दिव्य गुणों को धारण करो, सेवा करते हुए जगत की ब्रह्म का चिंतन करो। प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। तेरे संग मेरी आत्मा ज्योतिर्मान होती, प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती, प्रभु तेरी उपासना में रत्नों की वर्षा होती। ओम शांति शांति शांति। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।